दोस्तों, अगर आप भी परेशान हैं नेट के स्पीड से कि भाई नेट नहीं चल पा रहा सही से, आप अपलोडिंग नहीं कर पा रहे वीडियो को, 1.5 GB डाटा मिल रहा है उसमें क्या क्या करें क्या नहीं करें, इन सब चीज़ों से अगर परेशान है तो भाई इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लीजिए। मैं इसमें सोल्यूशन लेकर के आया हूँ आप ही के लिए। अगर देख लेंगे तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। हो सकता है कि आप इस काम को करके आराम से मतलब अपना डाटा स्पीड नेट सब कुछ बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास स्पीड आएगा, डाटा के स्पीड जो होता है ना ज़्यादा रहेगा, तो आप YouTube पर ज़्यादा काम कर पाएंगे, ज़्यादा वीडियो अपलोड कर पाएंगे, ज़्यादा समय YouTube पर दे पाएंगे, मतलब कि सब कुछ ऑनलाइन जिसको भी काम करना अपने घर में ना, तो बस नेट के स्पीड के ऊपर निर्भर करता है कितना स्पीड है वो कितना काम कर पाएगा। अगर उसको 1 KB में स्पीड मिल रहा है तो भैया वो KB में ही काम कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। जैसे कि मेरे साथ पहले हो रहा था ना, मैं यार रात में एक वीडियो को अपलोड कर जो कि 500-600 MB का बस यार उतना मैं अपलोड करता था ना, वो सुबह जाके अपलोड होता था। रात में सोता मैं लगा करके सुबह अपलोड होता है, उसके बाद टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन करके दोपहर में वो वीडियो को मैं पब्लिश कर पाता था। मतलब कि 12-13 घंटा का समय मेरे को एक वीडियो में लग जा रहा था, ऐसा मेरे पास नेट का स्पीड था। जो कि मैं उसमें भी 250-300 का रिचार्ज करता ही था भाई महीना में। आप तो जानते ही हैं कि किसी भी सिम का आप रिचार्ज करिए 250-300 रुपया महीना आपको देना ही देना है। 1 GB 1.5 GB 2 GB उससे ज़्यादा स्पीड आपको डाटा मतलब नहीं मिलने वाला। स्पीड की तो बात ही छोड़िए, कहीं स्पीड ज़्यादा है तो कहीं कम है, ठीक है। इस परेशानी में अगर आप भी जूझ रहे हैं तो आपके लिए मैं एक चीज़ लेकर आया हूँ, ये देख सकते हैं दोस्तों। ये दोस्तों एक एयरटेल का ब्रॉडबैंड है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है जिसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको भी मैं प्रेफर करूँगा। मैं देखिए ये क्यों कोई ब्रांड का प्रमोशन चाहे स्पॉन्सर मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे को अच्छा लगा। इसके बारे में खूबी बताता हूँ आपको सारा कुछ, कितना पैसा लगता है, क्या लगता है। अगर आपको सूटेबल लगे तो आप दोस्तों इसको ले सकते हैं। देखिए अगर यूट्यूब पर आप काम करने आए ना तो आपके लिए सबसे बड़ा चीज़ टाइम होता है। देखिए यूट्यूब पे हो चाहे कहीं पर भी हो, मैं कहूँगा इसके लिए टाइम इंसान का सबसे बड़ा चीज़ होता है। अगर एक बार टाइम चला गया तो दोबारा वो टाइम आने वाला नहीं है। तो यार अपना टाइम ना वेस्ट करके हम इसको अगर लगा लेते हैं अपने घर में तो हमारा जो भी काम होना जल्दी होगा। काम करने का मतलब मेरा ये है, अपलोड करना है भैया 2 मिनट में काम खत्म। यहाँ 2-2 GB का वीडियो अपलोड अभी मैं कर रहा हूँ, 2 मिनट बहुत ज़्यादा लगता है मेरे को, 2 मिनट में काम खत्म हो जाता है। अब पहले 2 GB तो कभी सोचता ही नहीं था मैं, हमेशा लो क्वालिटी का मैं पहले वीडियो मैं बना रहा था, ठीक है। 720p में बिट रेट जो होता है, बिट रेट भी मैं एकदम कम करके उसको मैं पहले वीडियो को एक्सपोर्ट करता था, उसके बाद मैं ये अपलोड कर रहा था। क्यों? क्योंकि हमारा डाटा की स्पीड कम है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा ये। अब तो यार टेंशन नहीं है, अब एकदम 4K में वीडियो बनाता हूँ, आराम से अपलोड हो जाता है। ओके, 4K में क्यों वीडियो बनाना चाहिए? क्योंकि हम जब वीडियो बनाते हैं ना, एक वीडियो अपना मतलब YouTube पर डालने के लिए, तो हम जिंदगी भर के लिए डालते हैं। हो सकता है अभी मान लीजिए 720p में चल जा रहा काम, अभी का जनरेशन देख ले रहा है, कहीं आगे साल दो साल बाद वो वीडियो नहीं देखेगा कोई, तब अगर लो क्वालिटी रहेगा तो सही बात है, होना ही होना है। अगर आप क्वालिटी देंगे सही तभी, अभी से भी हो गया यार, किसी का फटाफटा वीडियो ऐसे ही आएगा देखिए उसको कोई नहीं देखना पसंद करता है अगर लो क्वालिटी उसका होता है तो। अगर अच्छा क्वालिटी दमदार है थोड़ा सा तो भाई सब कोई देखना पसंद करता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आपका वीडियो का क्वालिटी सही रहेगा ना, आप एक्सपोर्ट करेंगे सही क्वालिटी में तो हमेशा वो सही रहेगा। आप जो है कि वीडियो अपलोड कर देंगे आराम से जाकर के, जल्दी हो भी जाएगा, तो नेट का स्पीड रहेगा तभी ना मेरे भाई ये सही रहेगा तब ना। अब देखिए मैं बताता हूँ इसके बारे में, ये क्या है दोस्तों, ये ब्रॉडबैंड है, एक फाइबर है दोस्तों ये, ठीक है। एक फाइबर अपना केबल आता है, आप चाहे देखिए बहुत लोग इसको लगाए भी है, बहुत लोग नहीं भी लगाए, जिनके पास जानकारी नहीं है इसके बारे में पता नहीं उनको वही लोग नहीं लगाए, जिनको जानकारी है ना जो थोड़ा पुराने यूट्यूबर हो गए हैं जाके देखिएगा सभी लोग लगाए हैं। अब क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि यार जब हम 250-300 रुपये पे कर ही रहे एक मोबाइल का खर्चा अपने एक घर में, अगर हमारे पास 3 मोबाइल पड़ता है ना अपने घर में, मतलब 3 मोबाइल चलता है, ठीक है, तो ये आराम से उतना में इसका खर्चा आप मेंटेन कर पाएंगे, वो भी अनलिमिटेड डाटा के साथ, इसमें कोई डाटा का जरूरत नहीं पड़ता। कितना मतलब खर्च करना, जितना करना आप करो, कोई दिक्कत नहीं होता इसमें, ठीक है। तो क्या है, हम अगर एक मोबाइल में 250-300 खर्च करके मतलब इसको रिचार्ज करते हैं, 28 दिन 22 दिन चलता है ना, उतना में ख़त्म हो जाता है। इसका क्या है कि 30 दिन का आपको मिलता है, 865 रुपये का मैं रिचार्ज किया था तो आराम से अभी चल रहा है 3300 GB उसमें मिलता है, 3300 GB, ठीक है। कुछ कहता है 3300 GB ख़त्म होना ही मुश्किल है। और स्पीड 100 MBPS, मतलब कि 100 MBPS का स्पीड अभी मेरे को मोबाइल में कितना मिल रहा था, जो पहले मैं सिम यूज कर रहा था उसमें 1 MBPS खूब से खूब 800 KBPS में रहता था, कभी कभी 1 MB 2 MB चला जा रहा था, ठीक है। तो ये आलम था, अभी ये आलम, मेरे को उसमें नुकसान नहीं है इसको लगाने से, 850 मैं दे रहा हूँ, तो मैं 3-4 मोबाइल घर में यूज भी कर रहा हूँ और दोस्तों लोग को भी मैं पकड़ा के उसी में यूज कराता भी हूँ। इससे क्या है, एक बार में 10 मोबाइल कनेक्ट हो सकता है इसमें। और देखिए साथ में ये क्या क्या मिलता है इसमें, 10 मोबाइल कनेक्ट प्लस में देखिए ये भी आपको मिलता है, एक लैन केबल दोस्तों। ये क्या होता है, डायरेक्ट उसमें लगा करके आप और अपने लैपटॉप में लगा दीजिए, एकदम हाई फाई स्पीड आपको मिलेगा इसको लगाने से। ये सब कुछ साथ में फ्री में मिलता है दोस्तों। इसमें क्या है ना कि रिचार्ज देखिए इसका 800-850 महीना पड़ता है, आप चाहे तो उससे कम भी ले सकते हैं। अगर
कम का रिचार्ज करवाएंगे, जैसा कि मेरे को सब पता है ना, मैं इसको यूज कर रहा हूँ, कम का करवाएंगे, 500 या 600 का रिचार्ज है तो उसमें करवाएंगे तो आपको 50 Mbps का स्पीड मिलेगा, और अगर 850 का करवाते हैं तो 100 Mbps का स्पीड मिलेगा, मगर GB में कोई कमी नहीं आएगा आपका। जितना GB आपको मिलता है 3300 GB, एक महीने में 3300 GB मिलेगा, आप चाहे जितना उसको यूज कर लीजिए, आप कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दोस्तों देखिए कुछ एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं उसका स्पीड का, मैंने पहले भी दिखाया, अभी भी देख सकते हैं कैसे चलता है ये। पहले केवी में धुकुर धुकुर धीरे धीरे ऐसे चल रहा था, अब देखिए क्या हो रहा है। लाइव स्ट्रीम करने वाले के लिए एक नंबर का, लाइव स्ट्रीम में भाई नेट चाहिए ज़्यादा ज़्यादा, अगर गेम चलाना उसमें भी आपको नेट चाहिए, क्या गेमिंग में लाइव स्ट्रीम करना ही करना है। इसलिए मैं सोचा कि आप लोगों क्यों ना ये वीडियो बना के दे दूँ, क्योंकि मेरा एक टेक कैटेगरी का चैनल दोस्तों, मैं सोचता हूँ आपको हर तरह का नॉलेज दूँ, ठीक है। ये भी एक नॉलेज, बहुत बड़ा नॉलेज है और होना चाहिए। ये चीज़ कहाँ मिलेगा आपको, आप किसी भी सिम चलाते होंगे ना, चाहे फोन हो, चाहे एयरटेल हो, चाहे BSNL हो, चाहे कोई भी हो, आप उसके ऑफिस में जाइएगा, जो भी आपके नज़दीकी ऑफिस होगा, ठीक है, वहाँ पर जाइएगा, वहाँ पर आपको बता देंगे ये कैसे कैसे मिलेगा, क्या क्या इसके लिए करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा मैं इसको कहाँ पर इंस्टॉल किया हूँ, वो चीज़ को मैं दिखाऊंगा और कैसे चलता है। बस उसके लिए कुछ नहीं, बस आपके पास सप्लाई होना चाहिए, बिजली जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो अगर कटेगा तो वो आपका बंद हो जाएगा, चालू रहेगा तो चलता रहेगा। मैं दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए यही है, ठीक है, देखिए लगा हुआ, वहाँ देखिए चार्जर से होकर के उसमें इसमें मतलब चला गया बिजली वाले में, ठीक है, बोर्ड में, ये देखिए हमेशा चलता रहता है, अब अनलिमिटेड इसमें, ठीक है, कितना भी GB यूज करिए कोई दिक्कत नहीं होता, कोई परेशानी नहीं है इसमें। 10 लोग कनेक्ट करा सकते हैं, 10 मोबाइल चाहे 10 लैपटॉप, जो भी आप कनेक्ट करके इसमें चला सकते हैं, ठीक है। यही था दोस्तों वाईफाई राउटर, ओके, मैंने इसका सारा कुछ आपको बता ही दिया, कितना क्या पड़ता है क्या नहीं। भाई वीडियो अगर इन्फॉर्मेशनल लगा तो वीडियो को एक लाइक मारिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ना ही मैं किसी ब्रांड का प्रमोशन कर रहा हूँ यहाँ पर, बस मेरे को सही लगा इसलिए मैं सोचा अपने भाई बहनों को बताता हूँ, शायद वो लोग भी ये काम करें। इसका कुछ ज़्यादा चार्ज नहीं है, इंस्टॉलेशन में मेरे से बस कितना से 4000 रुपये ले लिया गया, ठीक है, इंस्टॉलेशन, बाकी रिचार्ज का 850 रुपये महीना मतलब लगता है, ठीक है, बस इतना ही है इसमें। आप चाहे तो आपके पास मगर अगर जाएंगे तो कुछ ऑफर भी होता है दोस्तों इसमें, जो कि कुछ जगह फ्री भी इंस्टॉलेशन होता है, मेरे पास मतलब फ्री नहीं था इसलिए मेरे को 4000 रुपये देना पड़ा था। ओके दोस्तों वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आप जाके पता कर लीजिए अच्छे से, अपने कोई भी मतलब जो भी आपके पास नज़दीकी कंपनी हो, एयरटेल BSNL जो भी हो, ठीक है, उनसे पता करके आप लगवा सकते हैं अपने घर में। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।